नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बीजापुर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए हैं, जिसमें जिले के बालिकाएं और बालकों से 12वीं के रिजल्ट से आगे दिखी, तो वहीं 10वीं के परिणाम में बालकों ने बाजी मारी है। वहीं बात करें अगर रिजल्ट के प्रतिशत की, तो 12वीं में बालिकाओं को 90.7 और बालकों को 88.76% अंक मिले हैं। तो मैं बीजापुर के सफल विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामना देता हूं, और जो असफल विद्यार्थी है, असफल विद्यार्थी 10वीं के 12% विद्यार्थी असफल हुए और 12वीं के 10% विद्यार्थी, उनको नए शिक्षा सत्र में वे अच्छी मेहनत से उप तैयारी करें और वो आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं जगदलपुर बीजापुर के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। वहीं भीषण सड़क हादसे की घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख भी जताया है और मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही घायलों के उपचार के लिए हर संभव मदद करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दुर्घटना में मृतक महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। वहीं तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। वहीं भालू के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद से घायल को उसूर अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। पूरा मामला उसूर थाना क्षेत्र का है। बीजापुर में देश की आन बान और शान महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय बीजापुर में कांग्रेस भवन से जय स्तंभ चौक तक देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया और WFSI अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। जगदलपुर के थाना भेजी में ग्राम दंतेशपुरम के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 नक्सली ढेर हो गए हैं और राइफल बंदूक सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। वहीं इस घटना के संबंध में नक्सलियों ने एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसमें सुकमा मुठभेड़ को फर्जी बताया गया और पुलिस नक्सली मुठभेड़ के नाम से की गई निर्मम हत्या की निंदा की। वहीं बस्तर IGP सुंदर राज ने भी एक प्रेस नोट जारी कर इसे नक्सलियों की बौखलाहट करा दिया है। 2 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। इनके शिनाख्ती गोलापल्ली एलोस कमांडर मड़का मेहरा एवं गोलापल्ली एलोस सदस्य पोडियामी भीमे के रूप में हुई। ये दोनों पति पत्नी विगत कई वर्षों से अनेक प्रकार के जो हिंसात्मक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहा, हत्या का प्रयास, आगजनी, IED विस्फोट सहित कुल 34 अपराध इन दोनों के विरुद्ध में जिला के विभिन्न थाने में पंजीकृत है। और जिस तरीके से विगत कुछ वर्षों में माओवादियों का रिक्रूटमेंट बेस कम होते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल सिमटते जा रहे हैं और क्षेत्र की जनता द्वारा उनकी एक विकास विरोधी जनविरोधी चेहरा को देखकर जगदलपुर शहर के चांदनी चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले को लेकर राज्य सरकार के विरोध में CM भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला फूका और जमकर प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में बस्तर जिले के भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिस प्रकार से ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से शराब के बिचौलिए आज के जगह जगह में मिल रहे हैं, ये सरकार सिर्फ शराब पर टिकी हुई है। समझ में आ रहा है किस प्रकार से शराब का घोटाला कर जनता की जेब पर डाका डालकर ये अपनी सरकार चला रहे हैं और ये अपनी कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं।
जिस प्रकार से आज 2000 करोड़ की जो घोटाले की जो मामला जो उजागर हुआ है, ये आने वाले समय में और आंकड़ा बढ़ने वाला है। जिस प्रकार से न्यूज के माध्यम से आप सबके माध्यम से पता लगा है कि कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस की जनप्रतिनिधि भी इस घोटाले पर सम्मिलित हैं, आने वाले समय में। वहीं बस्तर के विभिन्न जनपद पंचायत क्षेत्रों में भाजपा से जुड़े जनपद सदस्यों ने पंचायत पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। तो वहीं जगदलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के पंचायत सदस्यों ने बस्तर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से इसकी शिकायत भी की है। बता दें कि भाजपा से जुड़े जनपद सदस्यों ने जनपद पंचायत मद और 15वें वित्त की राशि के आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भाजपा के जनपद सदस्यों का कहना है कि राशि के आवंटन नहीं होने से क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे का कहना है कि 15वें वित्त की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होती है, सभी क्षेत्र में ये राशि बराबर आवंटन की जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया है। पंचायत का ये जो वर्तमान कार्यकाल है, इसमें 3.5 साल के कार्यकाल में पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। और हमारे क्षेत्र के 5-6 ऐसे जनपद सदस्य हैं जिनके क्षेत्र में जनपद मद की राशि हो या जनपद पंचायत का जो 15वां वित्त का जो राशि है, उससे जो हमारे क्षेत्र के जनता और हमारे क्षेत्र के लिए जो काम स्वीकृत होने चाहिए, जो हम सामान्य सभा के प्रस्ताव में जिसको हम अनुमोदित कराते हैं, उन कामों को हमारे क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है, इसका हम शिकायत करने के लिए आए थे। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया गया है कि सामान्य सभा चूँकि जगदलपुर जनपद पंचायत में अभी 1 साल के बाद होने जा रही है, और सामान्य सभा से पूर्व अगर हमारे क्षेत्र के लिए जो जनपद मत की राशि है, 15वां मत की राशि, उससे अगर कोई कार्य स्वीकृत नहीं होता तो हम उस सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार करेंगे और आने वाले 22 मई को हमारे क्षेत्र के जनता के साथ हम जनपद पंचायत के सामने धरना देंगे। इस विषय को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। कल एक मेरे पास भी कुछ जनपद पंचायत जगदलपुर के कुछ मेम्बर्स आए हुए थे, उनका कहना यह था कि सामान्य सभा की बैठक भी रेगुलर नहीं होती है और कुछ क्षेत्रों में 15वें वित्त या जो भी योजनाओं के काम होते हैं कुछ क्षेत्रों में होते हैं, कुछ क्षेत्रों में नहीं होते हैं। तो मैंने संबंधित जनपद सीईओ से इस मामले में बात भी की है, क्योंकि 15वें वित्त की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और सभी क्षेत्रों को समान रूप से जनसंख्या बेस के आधार पर उनको खर्च करना रहता है। तो जो गवर्नमेंट के नियम उसके अनुसार राशि का खर्च करे, उसी आधार पर राशि का आवंटन भी करे। वहीं जगदलपुर में जिला कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने शासन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समय सीमा के अंदर सभी मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जगदलपुर के ग्राम छापर भानुपुरी में लोगों ने जिलाध्यक्ष को निवेदन पत्र दिया, जिसमें क्रेशर मालिक के द्वारा लापरवाही पूर्वक संचालित हो रही क्रेशर में हुई दुर्घटना की निष्पक्ष जांच और मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग की है। घटना के पहले भी इस क्रेशर खदान के विरुद्ध गांववासियों ने क्रेशर की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की थी। बता दें कि एक ग्रामवासी के क्रेशर के गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी, इससे फेसिंग नहीं होने की वजह से गड्ढे में गिरकर उनकी मौत हुई है। खदान का संबंध में एक ज्ञापन देने तहसीलदार SDM को देने के लिए आए थे, धोखा पाल गए। उसके बाद में जगदलपुर जिले कलेक्टर को मिलने के लिए वहाँ पे ज्ञापन दिए। छापर बानपुरी का नागवंशी खदान का बहुत समस्या है, उस समस्या को लेकर बहुत दिन से ग्रामीण और सभी गांव के लोग परेशानी है, उस विषय को लेकर आज ज्ञापन दिए हैं। महिला पुरुष आए हैं दो तरफ से। गांव के जो लोग बैठ के निर्णय किए कि ग्राम पंचायत में संचालित बनी नागवंशी के खदान के वजह से जो घटना घटित होकर मृत्यु हो गया, वो घटना का सीधा सीधा लापरवाही पूर्वक खदान संचालक के कारण हुआ है, इसलिए हम उस खदान को ग्राम पंचायत में बंद का प्रस्ताव पारित करके ज्ञापन को दिया। वहीं आम
आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भवानी पेयजल और उसकी गुणवत्ता की समस्या को लेकर जगदलपुर सिटी ग्राउंड में भूपेश सरकार के विरोध में मटका फोड़ आंदोलन किया। वहीं आंदोलन में आम आदमी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने आक्रोशित भाषणों और नारों के साथ वर्तमान की भूपेश सरकार को कोसते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है और जल्द ही पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को भी कहा। बता दें कि वार्डो में भी पानी की उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से लोग लगातार घंटों लाइन लगाकर पानी भरने को मजबूर हैं। आप पिला नहीं सकते तो हम खाली मटका लेके हम जाते हैं 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर तक हम जाते हैं, फिर भी हम खाली मटका लेके आते हैं। इसलिए हम प्रशासन को इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, तो खाली मटका हमारा जवाब नहीं है, हमको पूरा पानी चाहिए, फूल मटका चाहिए। वहीं जगदलपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने धूमधाम से महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती मनाई और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए, साथ ही उन्हें याद भी किया। शरीर में एक प्रकार से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर की जो खून है बाल मार, ऐसे स्वाभिमानी महाराणा प्रताप जिन्होंने अरावली पर्वत पर भूखे रहना, अपने परिवार को भूखे रख करके अपने जीवन बिताने वाले ऐसे देशभक्त स्वाभिमानी, जिसने मलेच्छ कह करके अकबर को धुतकारने वाला। और वहीं जगदलपुर में भारी बारिश में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के मेले में पहुंचकर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बस्तर अंचल की शांति, सुख और समृद्धि की कामना की। विधायक ने पहले पूजा पाठ की, फिर मेले में आए लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने मंदिर और मेला समिति से जुड़े तमाम लोगों से मेला शांतिपूर्वक और सौहार्द भाव से मनाने की भी बात कही है और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में देवगुड़ियों का संरक्षण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।